आज हम ध्वनि वाले भाग का अध्याय 12 का भाग 2 पढ़ेंगे कक्षा 9वीं में विज्ञान विषय में। हमने पहले भी पढ़ाया कि ध्वनि को संचरित होने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, माध्यम की। बिना माध्यम, चाहे हवा हो चाहे पानी, बिना माध्यम के हम ध्वनि का संचरण नहीं कर सकते हैं। तो ध्वनि से संबंधित एक घटना होती है, वो है परावर्तन। तो आप देखेंगे कि ध्वनि, ये देखिए चित्र में, आप ये चित्र में देखिए कि किस प्रकार ये घड़ी से ध्वनि निकल रही है, ध्वनि तरंगे निकल रही हैं और ये तरंगे जाती हैं और वैसे ही नियमों का पालन करती हैं जैसे कि प्रकाश का परावर्तन होता है और ये वापस लौट रही हैं। आप देखिए यहाँ पर हम दिशा बना सकते हैं, ये देखिए ये लौट रही हैं। तो इस घटना को जब ये टकराती हैं और उसी माध्यम में वापस लौट आती हैं तो इस घटना को हम बोलते हैं ध्वनि का परावर्तन। इसकी ये दो नियमों का पालन करती हैं। पहला नियम है कि जो आपतित ध्वनि तरंग है ये, और यहाँ से हमने एक अभिलंब खींचा है, तो इसके बीच में जो कोण बनता है वो आई, देखिए यहाँ 30 अंश का लिखा हुआ है, और ये जो परावर्तित किरण है ये, इसके यहाँ पर भी 30 अंश का कोण बन रहा है। तो ये दोनों कोण हमेशा आपतन कोण, यहाँ देखिए आप, आपतन कोण जो है, आपतन ये परावर्तन कोण के क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। और ये आपतित किरण और यहाँ बीच से जो हमने खींचा है यह है अभिलंब, और ये परावर्तित ध्वनि तरंग, ये एक ही तल में होते हैं बिंदु पर। तो ये ध्वनि के परावर्तन के दो नियम है, बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ध्वनि में परावर्तन होता है। अब हम पढ़ेंगे प्रतिध्वनि। कभी कभी आपने देखा होगा कि ध्वनि हमें बार बार सुनाई पड़ती है, तो यह है प्रतिध्वनि। आप देखेंगे कि ध्वनि के परावर्तन के कारण हमें ध्वनि का बार बार सुनाई देना क्या कहलाता है, प्रतिध्वनि। इस ध्वनि के जो प्रतिध्वनि है एक प्रकार का परावर्तन है, तो इसका दैनिक जीवन में बहुत उपयोग है। तो जैसे ध्वनि उत्पादक कई यंत्र हैं, ध्वनि उत्पादक यंत्र, जैसे आपने देखा है गिटार या लाउडस्पीकर होता है, इन सब में मेगाफोन, हॉर्न, इन सब में हम ध्वनि के परावर्तन का उपयोग करते हैं। देखिए आप, इससे अंदर ही अंदर ध्वनि का बार बार क्या होता है, परावर्तन होता है, और इस प्रकार एक निश्चित दिशा में हमें ध्वनि तरंगें सुनाई देती हैं। इस प्रकार हॉर्न में भी आप देखिए। अगला है चिकित्सा के क्षेत्र में, स्टेथोस्कोप। डॉक्टर द्वारा हृदय की धड़कन नापने के लिए, हमारे हृदय की धड़कन को वो स्टेथोस्कोप के द्वारा नापते हैं, वहां पर भी ध्वनि के परावर्तन, ध्वनि का परावर्तन बार बार होता है। ये फेफड़े या हृदय की हम धड़कन नाप सकते हैं, किसके द्वारा, स्टेथोस्कोप के द्वारा। इसमें भी प्रतिध्वनि का उपयोग किया जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे श्रव्यता का परिसर, मतलब मानव जो कर्ण होता है वो कितनी आवृत्ति तक की ध्वनि सुन सकता है। तो मानव में सुनने की जो क्षमता होती है, क्षमता ध्वनि सुनने की,
उसको हम मानो 20 हर्ट्ज आवृत्ति से लेकर 20 हजार हर्ट्ज आवृत्ति तक की ध्वनि, हर्ट्ज आवृत्ति से 20 हजार हर्ट्ज आवृत्ति तक की ध्वनि को सुन सकता है। सुन सकता है तो ये कहलाती है श्रब्द। ये मतलब मानव में ये क्या हो गया है, सुनने की क्षमता। इसको हम श्रब्द ध्वनि भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? श्रब्द ध्वनि। इसको हम श्रब्द ध्वनि। एक होती है पराश्रब्द ध्वनि, पराश्रब्द, या इसको पराध्वनि भी कह सकते हैं। ये अगला पॉइंट है पराध्वनि। जब यदि आवृत्ति 20 हजार हर्ट्ज से ज्यादा हो जाए, बीस हजार हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति होगी, तो उसको हम बोलेंगे पराश्रब्द ध्वनि। जैसे आप चमगादड़, ये वाली ध्वनि, और भी कई पॉरपॉइज हैं, कई जीवों में क्षमता होती है। चमगादड़ में पराश्रब्द ध्वनि को उत्पन्न करने की क्षमता है। इसके बाद है अपश्रव्य ध्वनि। नाम से ही आपको समझ में आ रहा है अपश्रव्य ध्वनि। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि को हम क्या बोलेंगे? अपश्रव्य ध्वनि। गैंडे में 5 हर्ट्ज वाली ध्वनि को भी उत्पन्न कर सकता है। तो ये जो पराश्रव्य ध्वनि है, 20 हजार हर्ट्ज से ज्यादा आवृत्ति होगी, चमगादड़ हैं, पॉरपाइज हैं, तो ये क्या करते हैं, इस ध्वनि का उपयोग अपना शिकार पकड़ने में भी करते हैं। अब है पराध्वनि, जो कि चमगादड़ उत्पन्न कर सकते, इस पराध्वनि के हम उपयोग पढ़ेंगे। तो पराध्वनि में ध्वनि बार बार परावर्तित होती है, तो हम उन भागों की सफाई कर सकते हैं। जैसे कोई नली है, सर्पिलाकार नली है, ये देखिए आप, सर्पिलाकार नली में मान लो कोई कचड़ा फंसा है, तो हम पराध्वनि का उपयोग करके हम उसकी सफाई कर सकते हैं। ब्लॉकों में दरारें पता करने के लिए भी हम पराध्वनि का उपयोग कर, चिकित्सा के क्षेत्र में अल्ट्रासाउंड, आपने देखा ना कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, इसका जो शॉर्ट नेम है वो है ECG। इस ECG चिकित्सा क्षेत्र में हम हृदय की धड़कन को, जिसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहते हैं, तो इस प्रकार परा, इसमें भी किसका उपयोग हो रहा है? पराध्वनि का उपयोग हो रहा है। तो पराध्वनि के बहुत सारे
उपयोग है। पराध्वनि का एक महत्वपूर्ण उपयोग है सोनार में। सोनार क्या है? सोनार एक ऐसी युक्ति है जिसमें हम ध्वनि के पराध्वनि का उपयोग करते हैं। समुद्र में पिंडों की गहराई पता करना है, कोई टूटा कोई नीचे चट्टान है उसका पता लगाना है, तो उसकी दूरी, दिशा और स्थिति का पता करने के लिए हम सोनार तकनीकी का उपयोग करते हैं। सोनार तकनीकी में क्या रहता है कि एक यंत्र लगा हुआ रहता है। आप देखिए ये पानी का जहाज है, यहाँ पर एक यंत्र लगा हुआ है, आप देखिए प्रेषित। इससे पराध्वनि को समुद्र के तल तक भेजा जाता है और वहां से सूचना संसूचक के माध्यम से, आप देख रहे हो ना ये, और इस प्रकार ऊपर हमें क्या मिलती है, ये अंदर गहराई में समुद्र के, ये समुद्र है। तो इस प्रकार संसूचक के द्वारा हम किसी पिंड की स्थिति या फिर कोई टूटा फूटा जहाज है, पनडुब्बी है, उसके बारे में हम पता कर सकते हैं। तो ये एक प्रकार की पराध्वनि का ही इसमें उपयोग किया जाता है। सोनार के उपयोग हम समुद्र की गहराई भी पता कर सकते हैं, डूबे हुए जहाज व पनडुब्बियों का भी पता लगा सकते हैं। अच्छा, आप यहाँ देखिए चमगादड़ किस प्रकार पराध्वनि का उत्पन्न करके उसका उपयोग करता है। ये पराध्वनि निकालता है और बहुत दूरी पर कोई चट्टान है या मान लो कोई कीट है, ये कीट है, तो उसको देखना है हमारा शिकार वहां है कि नहीं। तो ये ध्वनि के तरंगों के द्वारा और फिर वापस ये टकरा के लौटती हैं और इस प्रकार वो वहां पर किसी भी चट्टान का या शिकार का पता कर सकता है। और भी अन्य जीव हैं। अब हम पढ़ेंगे मानव कर्ण की रचना। हमारे कर्ण ध्वनि तरंगों के प्रति, ध्वनि के लिए बहुत ही सुग्राही होते हैं। तो हमारे जो मानव कर्ण है इसके मेन तीन भाग होते हैं। जो बाहर का होता है ये यहाँ से यहाँ तक, ये जो बाहर आपको दिखाई देता है ये देखिए, ये है बाह्य कर्ण और ये यहाँ से यहाँ तक है मध्य कर्ण और यहाँ से ये कर्णावस से ये है अंतःकरण। तो मानव कर्ण के कितने भाग हो गए? पहला है बाह्य कर्ण, कर्ण के ये तीन भाग, पहला बाह्य कर्ण, दूसरा मध्य कर्ण, तीसरा अंतःकरण। तो ये जो बाह्य कर्ण है यहां से ध्वनि तरंगें जाती हैं और यहां पर एक कर्ण पट होता है। कर्ण पट आप देख रहे हो, ये कर्ण पट होता है। यहां पर ध्वनि तरंगें इससे क्या होती हैं, टकराती हैं, तो इसमें कंपन उत्पन्न होते हैं। इसके बाद यहां से मध्य कर्ण शुरू होता है। यहां पर तीन हड्डियां पाई जाती हैं, मुग्धरक, निहाई और वलयक। ये कान की तीन हड्डियां हैं और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डियां हैं। तो ये तीन हड्डियों, तो इस कर्णपट के द्वारा इन हड्डियां, इसको ये कंपन करने में तीनों हड्डियां सहायता करती हैं। कंपन करती हुई जब ध्वनि तरंगें आंतरिक कर्ण में जाती हैं, कर्णावत, ये कर्णावत में जाती हैं और यहाँ पर भी ध्वनि तरंगों को एक विशेष प्रकार के विद्युत तरंगों में बदला जाता है और इस प्रकार ये श्रवण तंत्रिका द्वारा हमारे मस्तिष्क में जाती हैं। और इस प्रकार मस्तिष्क उन विद्युत तरंगों को पुनः ध्वनि तरंगों में ग्रहण करता है। तो आप देखेंगे जो हमारा कान है वो ध्वनि के लिए बहुत ही सुग्राही है। और यह है श्रवण नलिका और ये श्रवण तंत्रिका, और इस प्रकार मस्तिष्क ध्वनि को सुनकर
उसका विश्लेषण करता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चित्र है कि किस प्रकार मानव कर्ण की रचना में किस प्रकार हड्डियां पाई जाती हैं और कैसे ध्वनि तरंगें कान के अंदर जाती हैं। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न है वही मानव कर्ण का पराध्वनि के उपयोग बताइए, सोनार क्या है इसका उपयोग बताइए। धन्यवाद।